हेलो दोस्तों, प्रीवियल टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज जो आपको बताने वाला हूँ, जो अल्टरनेटर आता है दोस्तों, उसका रेगुलेटर टेस्टर जो आप मैंने देखा था आपको वीडियो में, तो ये जो रखा हुआ इधर, तो ये कैसे बनाने का है वो बताने वाला हूँ दोस्तों। उसके लिए आपको एक माइन वोल्टेज की बैटरी चाहिए, एक स्टेप अप मॉडल चाहिए दोस्तों, एक LED लगेगा और एक वोल्ट मीटर लगेगा दोस्तों। मेरा वोल्ट मीटर खराब हो गया है, इसके लिए निकाल के रखा हूँ। ओके दोस्तों, और एक ऑन ऑफ स्विच लगा इधर, ये देखिए लगा के बैठा हूँ। ओके दोस्तों, ये देखिए अभी इधर डायग्राम बनाई हूँ, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करने का है। ये देखिए दोस्तों, ये स्टेप अप मॉडल है, XL6009 इसका नंबर है, स्टेप अप मॉडल। इसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके दोस्तों, एक 9 वोल्ट की बैटरी चाहिए दोस्तों आपको, ये वाली। ओके दोस्तों, एक ऑन ऑफ स्विच चाहिए, एक वोल्ट मीटर लगेगा दोस्तों, एक LED लगेगा, एक 680 ओम का रेजिस्टर लगने वाला है, 680 ओम का रेजिस्टर लगने वाला है, और ये दो छोटे छोटे देख रहे हैं आप चिमटे, क्रॉकटेल बोलते हैं इसको, ये लगने वाले तीन। मैं ये दो लगा के रखे आपको, तीन यहाँ पे लगने वाले। फिर इसका मैं आपको वायरिंग समझा देता हूँ कैसा है। ओके दोस्तों, तो आपको पहले इस मॉड्यूल पे इस बैटरी से दोस्तों प्लस डायरेक्ट दे देना है इन पे। इसका दो इनपुट आता है और दो आउटपुट रहता है दोस्तों। आउटपुट पे दोस्तों इसको ऐसा इधर एक क्लिप लगा के शोल्डर कर दिया हूँ, ये देखिए दोस्तों। ओके, इससे जितना घूमेंगे उतना वोल्टेज बढ़ेगा, अप टू 50 वोल्टेज बढ़ता है, और जितना घटेंगे उतना घटेगा 10 वोल्टेज तक। ओके दोस्तों, अभी इसका इन पे आपको बैटरी का माइनस डायरेक्ट दे देना है, और प्लस जो एक स्विच पे दे देना है, और स्विच पे से एक इसके इन पे दे देना है ताकि ऑन ऑफ हो सके। ओके, और आउटपुट पे इसके वोल्ट मीटर लगा देना है, एक उसका इसका आउटपुट प्लस माइनस चेक कर लेना है, प्लस पे प्लस वाला वायर और माइनस पे माइनस वाला। ओके दोस्तों, और एक LED लेना है, उसको इसे वाला दोस्तों देख सकते हैं आप, ये वाला, और एक उसका प्लस वाला जो पॉइंट है वहाँ पे एक रेजिस्टर लगा देना। ओके रेजिस्टेंस, ओके 680 ओम का क्वार्टर वेट में इसके आउटपुट पे दोस्तों, प्लस में से ओके रेजिस्टर से ओके LED में देना है 680 ओम का। ओके दोस्तों, और माइनस वाला जो एक पॉइंट बचता है LED का, वो बाहर निकाल लेना है, मैंने जैसे निकल के रखो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे, और एक प्लस वाला जो है वो बाहर लेके आना है आपको, पॉजिटिव जो आउटपुट का है, और एक निगेटिव, ये देखिए दोस्तों, ये वाला निगेटिव, एक पॉजिटिव, और ये LED का आउटपुट रहेगा दोस्तों। ओके, LED का इनपुट देना है अपने को SR60 में से, और एक जो रेगुलेटर को देना है अपने को, कटआउट भी बोलते हैं उसको, ये मेन पे दे देना है रेगुलेटर भी, ये ग्राउंड पे दे देना है, और एक आउटपुट का जो ब्रश रहता है वहाँ पे दे देना है अर्थिंग का, ओके ग्राउंड का। तो जैसे ही 14.60 14.70 वोल्टेज आएगा, तो ये जो लाइट एक कट मारना चाहिए यहाँ पे, इस वोल्टेज अप डाउन कर सकते हैं इस मॉडल पे से। ओके दोस्तों, तो उसका वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जो मैं आपको चेक करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि इसका जो वोल्ट मीटर दोस्तों ख़राब हो चुका है, तो इसके नाम से इधर वोल्ट नहीं दिख रहे। ओके, तो दोस्तों डायग्राम अच्छे से देख लीजिए, कोई भी डाउट होगा तो इसको देख के आप बना सकते। ये जो एक XL6009 स्टेप अप मॉडल है, एक 9 वोल्ट की बैटरी है, एक ऑन ऑफ स्विच है, एक वोल्ट मीटर है, और एक LED यूज़ किया है, एक रेजिस्टेंस यूज़ किया हूँ, और तीन जो चिमटे हैं दोस्तों इस टाइप के वो यूज़ किया हूँ। ओके, इस मॉडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, इस वोल्ट मीटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। ओके दोस्तों, ये रेजिस्टर का भी दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, और ऑन ऑफ स्विच को भी चाहिए तो वो भी दे दूँगा। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ ये जो डायग्राम है इसकी, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी एक बार देख लीजिए।
तरीके से बने हुए हैं। एक डब्बे के अंदर इसको एक स्विच ऐप पे एडजस्ट किया हुआ, ये कैप ऐसे होल्ड करके इसको घुमा सकूँ ताकि ये ऐसे एडजस्ट करके रखा हो। फिर दोस्तों तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।